मेरी जो वालिदा है उन्होंने खास रिक्वेस्ट की थी मुझसे। रिक्वेस्ट क्या की थी, ऑर्डर किया था कि इसकी वीडियो लाजमी बनानी है। के जी है, घंटा लग गया इसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज के सीन ये है कि भाई आज ना धूप है बहुत ही कड़कदार किस्म की, मतलब आंखें नहीं खुल रही भाई इस धूप में, मतलब आज पता लग रहा है कि गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ खाला घर, वो उधर नीचे हमारी खाला घर है, उधर मैं जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया उनके घर नहीं गया भाई, तो चलते हैं अभी। और इसी के साथ आज का जो खूबसूरत सा व्लॉग है वो करते हैं स्टार्ट। तो भाई उधर का प्लान हो चुका है डिले, कैंसिल तो नहीं हुआ, या जुमा के बाद जाएंगे या फिर अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे, क्योंकि वो कल मैंने लकड़ियाँ कटवाई थी, वो लोडर वाले भाई साहब आ गए, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं पहुँच गया हूँ, तो आए चल के बोले आते हैं। पहले जाना है उधर, फिर इंशाल्लाह खाला के घर जाएंगे। मैं बस अभी यहाँ से थोड़ा नीचे ही आया था घर से, तो कॉल आ गई, अभी जाना पड़ेगा वापस। तो अभी हम आ चुके हैं इधर, ये खान साहब रख रहे हैं लकड़ियाँ और ये लेके जानी है घर, ये घर पहुँचा के फिर बाकी काम करते हैं। ये लोडर रिक्शा है भाई, और इस रोड पे हम आए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह से रिक्शा लोड हो चुका है और भाईजान इसको मोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मुक्तदिर। हम ना जब आए थे तो इस पे बैठ के आए थे, तो मैंने ना सोचा कि गलती कर ली, क्योंकि इस रोड पे ना इसको ना वो झटके बहुत लगते हैं, तो बैठने से अच्छा है कि उसको जाने दें भैया और हम जो है ना चलते चलते जाएं घर तक। ले जी हम पहुंच गए घर, और अभी इसकी करने लगे हैं अनलोडिंग। ये काम सही है भाई इस रिक्शे वाला, चारों साइडों से खुल जाता है। ये काम इसका सही था जी, वैसे है ना अनलोडिंग बहुत ईजी थी, इस विच हम इजीली अनलोड हो गई इसी। पहले ये रिक्शे कश्मीर में नहीं थे, तो आई थिंक पहला इन्हीं ने लाया था, पहला तो सौ दस आना जी इन भाईजान ने ये पहला लाया था इधर हमारे इलाके में, इसके बाद काफ़ी हो गए इधर। ये काम हमारा डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो अभी हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि आज है जुमा मुबारक और हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जुमा। मेरे साथ है मोहम्मद, इधर ये आ गया जी मोहम्मद। पपी दे बाबा की एक कुदर जिले हो, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम। अभी बाकी भाई नहीं आए, बस वो भी आए तो फिर निकलते हैं। पापा सब भाई आ चुके हैं और अभी हम निकलते हैं भाई जुमा पढ़ने के लिए, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जुमा पढ़ के हम अभी रास्ते में से गुजर रहे थे, इस जगह के लिए ना मेरी जो वालिदा है उन्होंने खास रिक्वेस्ट की थी मुझसे। रिक्वेस्ट क्या की थी, ऑर्डर किया था कि इसकी वीडियो लाजमी बनानी है। ये चेक करें दरख्त माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, सारे पे फूल ही फूल है। करीब से जाके आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें कितने ज़्यादा फूल हैं इस पर माशाल्लाह। तो इसके लिए मेरी वालिदा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी वीडियो आपने लाजमी बनानी है, तो ये काम भी हो चुका है डन। इसको सही करके आप देख लें, मैं थोड़ा दूर से जाके आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये चेक करें कंप्लीट दरख्त आ गया वीडियो में माशाल्लाह। अभी सारे भाई साहब बैठे हुए गाड़ी में वेट कर रहे हैं, हमने जाना है अभी फौरन से पहले घर। क्या खा सो पुत्र? नमक पारे थे मिठाई और बस जलेबियाँ। जलेबियाँ भी। अभी हम जा रहे हैं घर और रास्ते में बाजार जो है वो आने वाला है। मोहम्मद कह रहा है मैंने ये कुछ खाना है, तो इसको इंशाल्लाह बाजार से लेके देंगे साथ में। दे? मिल गया सब कुछ? क्या नहीं मिला? मिठाई। इसको मिठाई नहीं मिली, अभी इसका शोर है। जलेबियाँ शलेबियाँ मिल गई हैं, बाकी कह रहा है कि मिठाई क्यों नहीं मिली, इधर से मिलती नहीं है मिठाई से। हाँ जी मोहम्मद जलेबियाँ लेके आ चुका है, जलेबी चेक कराओ ना पुत्र, थोड़ी जी दियो ना जी, थोड़ी जी ओ जी थोड़ी जी है। नहीं नहीं। एक एक जरिए का सकी चेक करा छोड़ो, इधर देखो हाँ। इतनी सी जलेबी लेने के लिए ना हमें काफी मिन्नत करनी पड़ी है इसकी। अभी भी मुंह आगे कर रहा है थोड़ी जी। के जी है मिठी, मिठी है।
गर्मा गर्म एक ग्लास जलेबियाँ माशाल्लाह। अच्छा सुबह मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैंने खाला के घर जाना है और यहाँ से ना इस जगह से मैं वापस चला गया था। अभी इसने मुझे कहा है कि चलते हैं उनका घर, वो नीचे थोड़ी थोड़ी ग्रीन कलर का जो है ना छत नज़र आ रही होगी आपको, वहाँ पे है और ये मुझे दिखा रहा है कि घर किधर है। कुत्ते का कार माशाल्लाह, इसके बाल चेक करें, काफ़ी खूबसूरत बाल हैं इसके, प्यारे। तो अभी चलते हैं जी मेरी खाला का घर, मोहम्मद मेरी सिस्टर का भी घर और मोहम्मद की ना फूफो का घर। चलें जी चला। इधर ना ये चेक करें, बर्ड्स परिंदे बैठे हैं भाई सारे। यहाँ पे नीचे पानी है, इसमें ये जाके नहाते हैं और फिर इधर आके ना धूप लगाते हैं माशाल्लाह। ये चेक करें, जब हम जुमा पढ़ के आ रहे थे ना मैंने आपको एक खूबसूरत सा दरख्त दिखाया था, वो चेक करें माशाल्लाह उसी तरह का एक वो है, ये है एक और दो, और उधर भी हैं छोटे छोटे तीन, और इस तरफ भी हैं काफ़ी, जिनमें ना फूल लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह से। तो अभी बहार है तो मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि मुख्तलिफ जो दरख्त होते हैं ना वो अपनी अपनी मतलब अपने अपने टाइम पे ना उन पे फ्लावर्स आते हैं और फिर उन पे फल लग जाता है। अभी ये यहाँ का एक है, इस पर जो है ना, ओ भाई साहब क्या वाह, कांटा लग गया इसको। चलो उठो, इतना भी मसला नहीं हुआ, इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ बहुत बुरी से निकाल ली है। मैं सोचा कुछ ज़्यादा इसको लग गई है चोट छोट। अच्छा खाला के घर हम इसलिए जा रहे हैं भाई, आने वाले दिनों में हमारे जो तैयब भाई हैं वो जब आएंगे कतर में, उनकी है शादी, तो आने वाले दिनों में मतलब ईद के बाद, अभी तो रमज़ान है, उनकी शादी भी है, तो उस हवाले से इन्होंने कुछ शॉपिंग की है, वो जाके हम जो है देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। और तैयब भाई की शादी की तैयारियां जो है अभी से स्टार्ट हैं, उन्होंने आना है कहीं रमज़ान के बाद, तो फिर शादी होनी है। अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं कि तैयब भाई हैं कौन। तैयब भाई भाई मेरी खाला के बेटे हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, काफ़ी टाइम हमने इकट्ठे गुजारा है, और मेरी वीडियो के जो पहले व्यूअर होते हैं वो वही होते हैं मैक्सिमम। हर मरतबा जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ पहला बंदा आके कमेंट करता है वो होते हैं तैयब भाई। इसकी खुशी चेक करें, जैसे उनके घर के सामने पहुँचा ना तो भाग रहा है ये। इधर चिड़िया है ना, उनको देख के ये कह रहे हैं कि उनको पकड़ूंगा। अच्छा जुमा पढ़ के जब हम जा रहे थे ना तो मैंने इस दरख्त की वीडियो बनाई थी, इसके लिए मेरी वालदा ने कहा था कि इसकी आपने वीडियो बनानी है। ये बिल्कुल ये तैयब भाई का घर है और इसके बिल्कुल सामने है ये माशाल्लाह। इधर एक और भी है, मसेर ना मासी के पुत्र को बोलते हैं, मासी खाला का बोलते हैं और खाला का बेटा मसेर हमारी जुबान में। तो भाई मसेरों के घर से हम होके आ गए हैं, अभी कन्फर्म तैयब भाई की न्यूज़ नहीं है, जो मेरे कज़न हैं उनका सही पता नहीं है कि वो कब तक आएंगे। खैर शादी की तैयारियां भाई जा रही हैं, शॉपिंग इन्होंने काफ़ी सारी कर ली है, और मोहम्मद को मैंने उठाया हुआ है, बस हर 10 कदम पे ये मुझे एक पपी देता है, दो पपी, तो फिर मैं इसको जो है ना नीचे नहीं रखता। मैंने कहा जब तक आप ये ड्यूटी देते रहेंगे तब तक मैं आपको उठाए रखूँगा, वरना फिर आपको ना इस रास्ते पर पैदल चल के जाना पड़ेगा। ठीक है मोहम्मद, ठीक है, मतलब बोलो ना सब्सक्राइब करें, पहले बोलो सब्सक्राइब करें, इतने नहीं रहना, पहले बोलो है सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें जी, मोहम्मद कह रहा है, थैंक यू जी, सब्सक्राइब लाजमी करें। इनके घर ना जाते हुए हमें कोई टेंशन नहीं होती, मतलब आते हुए कोई टेंशन नहीं होती, वापस अपने घर जाते हुए ना भाई सारी चढ़ाई है, तो जाते हुए टेंशन होती है, आते हुए बंदा इजीली आ जाता है। ये वो वाहिद घर है जिससे इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और लगाव भी है, अभी भी ये उधर ही देख रहा है और मुझे कह रहा है ना कि वापस चलें, हम तो घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसकी यही ज़िद है, जुलो ना मुड़ी वापस चलें, मतलब ये कह रहे हैं नहीं 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 ना 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 ना, चलो 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 चलो। फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, और घर के बाहर ये जानवर चेक करें, घास चार रहे माशाल्लाह, बहुत चमक रहे हैं ये, इनको ना मैंने खान साहब को बोला था कि सही जो है ना चमका के रखा करें, उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया है। तो भैयों ये था आज का हमारा व्लॉग, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।